हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देखिए फ्रेंड्स, आज हम ये वाला जो बॉर्डर है ये सीखेंगे बनाना। ये इस तरह से ये बॉर्डर बना के फिर ऊपर से आप ये घाटा स्टिच बॉर्डर बनाएंगे तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा। आप ऑल ओवर में ऐसा भी बना सकते हैं या फिर इस तरह से शुरुआत करके ये भी बना सकते हैं। इसके साथ इसका जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही प्यारा लगता है। ये देखिए बहुत ही प्यारा लगता है और दोनों साइड से ये बिल्कुल एक जैसा लगता है। इसमें रॉन्ग साइड और राइट साइड वैसे होती नहीं है। आप किसी भी साइड को रॉन्ग साइड मान लें, किसी भी साइड को राइट साइड मान लें, तो ये जो बॉर्डर है ये आप कार्डिगन में, बेबी स्वेटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए स्ट्रेचेबल है। तो ये वाला बॉर्डर हम बनाना सीखेंगे। ये तो आपको आता ही होगा। ये बनाया है मैंने, इससे जो स्टार्टिंग की है ये मैं आज आप लोगों से शेयर करूंगी, आप लोगों को बताऊंगी कि ये कैसे बनाते हैं। ये मुझे बहुत प्यारा लगा है, पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा है, और मैं कोई प्रोजेक्ट बनाऊंगी इस वाले बॉर्डर का तो आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने धागा ले लिया है और ये एक सिलाई ले ली है। ये 10 नंबर की सिलाई है। मैं अधिकतर 10 नंबर की सिलाई से ही स्वेटर बुनती हूँ क्योंकि मैं ये वाली ऊन लाती हूँ। ये बिल्कुल मीडियम है, ना मोटी है ना पतली है, और इसमें मैं 10 नंबर की सिलाई ही यूज़ करती हूँ मोस्टली। तो इस तरह से हम फंदे डालेंगे। जब हम फंदे इस तरह से डालते हैं तो ऐसे एक फंदा ऑलरेडी बन जाता है। अब हम ऐसे फंदे डालेंगे, इस तरह से फंदे डालेंगे। आप जितने भी फंदे डाल लें इसमें, तो मैं कुछ फंदे डाल लेती हूँ पहले, उसके बाद फिर बताती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये फंदे डाल लिए हैं। जब हम इस तरह से फंदे डालते हैं तो ये वाली साइड जो है, ये राइट साइड जो है हमारी दूसरी सिलाई में आएगी। फर्स्ट रो जो हमारी आएगी ये रॉन्ग साइड से आएगी, इस तरह से। लेकिन इस बॉर्डर में पता नहीं चलता कि रॉन्ग साइड किधर है, राइट साइड किधर है। तो हम ये पहली सिलाई डाल रहे हैं, फर्स्ट जो स्टिच है वो सीधा बुन लेंगे और इससे आगे एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, इससे इस तरह से बनाएंगे। ये एक सीधा, ये दो हो गए हमारे सीधे, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। ये मैं लाइन पूरी कर देती हूँ, लास्ट में आऊँगी तो आपको बताऊँगी। देखिए लास्ट दो स्टिचेज हैं हमारे पास, यहाँ पर एक सीधा और लास्ट वाला फंदा उल्टा बना लेंगे। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट रो। अब सेकंड रो, दो सिलाई में ये पैटर्न हमारा बन जाता है ये वाला। तो इसे अब हम सीधी साइड मान लेंगे। वैसे तो मैंने आपको बताया कि पता नहीं चलता, फिर भी ये हमने स्लिप कर लिया, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुन लिया, उल्टे पे उल्टा, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए ये फंदा है, हमें ऐसे नहीं बुनना, ऐसे सिलाई लेंगे और इसे हम इस तरह से सिलाई पर ले लेंगे और वापस सिलाई को वहीं ले आएंगे, इसे सिलाई में डालेंगे और फिर इस फंदे को सीधा बुन देंगे। धागा आगे करेंगे, उल्टा फंदा, उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से वही करेंगे, ऐसे सिलाई लेंगे, ये फंदा सिलाई पर ले लेंगे और सिलाई को वापस ले आएंगे और इसे फंदे को सिलाई में डालेंगे और इसे सीधा बुन देंगे। धागा आगे करेंगे, उल्टा फंदा, उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, फिर से वैसे ही करेंगे, यहाँ से ऐसे सिलाई लेंगे, ये फंदा सिलाई पर ले लेंगे और सिलाई को वापस ले आएंगे। ये पड़ोसियों के मुर्गे बोलते हैं, कभी कभी वीडियो को बहुत डिस्टर्ब करते हैं, उसके लिए सॉरी। इसे सीधा बुन देंगे, उल्टा फंदा, उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, ऐसे सिलाई लेंगे, इस फंदे को निकाल लेंगे, वापस ले आएंगे और इसे सीधा बना लेंगे।
धागा आगे, ये फंदा उल्टा, धागा पीछे। इस फंदे को इस तरह से लाएंगे और इसे सीधा बना लेंगे। धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। ध्यान से देखना, ऐसे सिलाई लेंगे, इस फंदे को निकाल लेंगे, वापस सिलाई ले आएंगे और इसे सीधा बना लेंगे। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। इस फंदे को निकाल लेंगे इस तरह से और इसे सीधा बना लेंगे। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, सिलाई इस तरह से ले जाएंगे। इस फंदे को निकाल लेंगे और वापस ले आएंगे, इसे सीधा बनाएंगे। धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। ये देखिए, अब ये तीसरी सिलाई है, इसे हम सिंपल बनाएंगे, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा। तो इसकी तीन सिलाई बनाते हैं हम। ये देखिए, तो ये एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, ये सिलाई मैं कर लेती हूँ कंप्लीट और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी हो गई है तीन सिलाई। अब यहाँ पर इधर आ जाते हैं। अब यहाँ पर आप चाहे तो इस बॉर्डर को कंटिन्यू रख सकते हैं या फिर इसके ऊपर ये वाला बॉर्डर बना सकते हैं। तो इसके साथ ये वाला कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। अब यहाँ पर आप गटर स्टिच पैटर्न बनाएं, सारे फंदे उल्टे उल्टे, दोनों साइड से सारे फंदे उल्टे उल्टे बनेंगे, दोनों तरफ से इसी तरह से बनती है सिलाई। चाहे तो आप सीधी सीधी बनाएं, चाहे उल्टी उल्टी बनाएं, एक जैसी ही सिलाई बनती है इसमें। यदि उल्टी बना रहे हैं तो दूसरी साइड भी उल्टी बनेगी, यदि सीधी बना रहे हैं तो दूसरी साइड भी सीधी ही बनेगी। तो ये सिलाई मैंने बना ली, देखिए। अब इधर आ जाते हैं, इधर से भी ये सिलाई उल्टी उल्टी बनेगी। मैंने आपको बताया दोनों साइड से एक जैसी ही सिलाई बनती है, चाहे तो सीधी सीधी बनाए, चाहे उल्टी उल्टी बनाए। तो ये मैं बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये दोनों तरफ एक एक सिलाई बना ली है। तो इस तरह से हमें ये जो लाइन है, मैंने यहाँ पर ये तीन बना रखी है, तो ये मैं यहाँ पर भी तीन लाइनें जब ये हो जाएंगी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि दोनों तरफ से उल्टे उल्टा उल्टा बुनना है, इसी को गटर स्टिच पैटर्न बोलते हैं। तो ये मैं बना लूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हो गया है। मैंने तीन तीन लाइन बना दी है दोनों तरफ, यानी कि छह सिलाई मैंने बना दी है। अब देखिए, ये हमारा वैसे तो राइट साइड था और ये रॉन्ग साइड है, लेकिन दोनों साइड से बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है। इसमें बिल्कुल पता नहीं चलता कौन सा रॉन्ग साइड है, कौन सा राइट साइड है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी साइड रॉन्ग साइड रखनी है, कौन सी राइट साइड रखनी है। बस ये थोड़ा सा क्लीन लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा क्लियर चमक रहा है, इसलिए ये मैंने राइट साइड रख ली है, और इधर से भी अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से देखिए कितना प्यारा ये बॉर्डर का डिज़ाइन है। ये कार्डिगन में बहुत प्यारा लगेगा, बहुत ही प्यारा लगेगा, और बेबी स्वेटर में भी बहुत प्यारा लगेगा, फ्रॉक में तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। और यदि अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलती हूँ आपको इसी तरह के यूनिक से पैटर्न के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।